आज राज्यों के क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो फंसे हुए हैं उनको न खाने की व्यवस्था हो पा रही है और ना ही उनके सुविधाओं की व्यवस्था हो रही है। कुछ एक मायने में जो राज्य से लेकर के पूरे भारतवर्ष में जो भामाशाहों के द्वारा जो थोड़े बहुत राशन और खाने की व्यवस्था की जा रही है, पर भारत सरकार की ओर से सिर्फ भाषण ही दिया जा रहा है, उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। इसी आलोक में वो तमाम जो मजदूर आज भूखमरी के कागार पे जूझ रहे हैं, उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए अखिल भारतीय किसान सभा ने जो आह्वान किया उसके आलोक में भी कि भाई तमाम किसान सभा के ऑफिस वेयर के लोग अपने अपने घरों के दरवाजे पर बालकोनी में उन तमाम मजदूरों की आवाज को बुलंद करने के लिए, भारत सरकार तक उनकी आवाज को पहुंचाने के लिए किसान सभा ने जो घोषणा की है उसी के आलोक में आज हम लोग भी अपने आवास पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम अपने आवास पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। नवलगढ़ तहसील एवं लोहारगढ़ की ओर से और किसान सभा की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि पूरे भारत के विभिन्न इलाकों में, विभिन्न राज्यों में, जो चाहे वो किसी राज्य का प्रवासी मजदूर हो, वो लॉकडाउन के कारण क्षेत्रों में जो फंसे हुए हैं उनको राशन मुहैया कराई जाए और उनके रहने की व्यवस्था मुकम्मल की जाए, और साथ ही जो अपने आवास को जाने चाहता है उनको भी उनके आवास पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। हम देखते हैं साथी एक